आज हम लेंगे मानव का जननतंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। सबसे पहले देखो इसमें हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में देखो सबसे पहले जनन क्या होता है। देखो जनन सजीव में संतान उत्पन्न करने की वह प्रक्रिया है जिसमें सजीव अपने समान संतति उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। अब देखो मनुष्य में जो है लैंगिक जनन पाया जाता है। कौन सा जनन पाया जाता है? लैंगिक जनन पाया जाता है। अगर वो लैंगिक जनन की जो क्रिया है, लैंगिक जनन की क्रिया के द्वारा मनुष्य अपने वंश को आगे बनाए रखता है, यानी कि संतति को आगे बनाए रखने के लिए मनुष्य क्या करता है, जनन की क्रिया करता है। ये तो होगी अपनी डेफिनेशन। इसके बाद आपको मनुष्य में जो है लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। लैंगिक द्विरूपता से अर्थ है यहाँ पर मनुष्य में बाह्य लक्षणों के आधार पर नर और मादा की पहचान की जा सकती है। लैंगिक द्विरूपता से अर्थ है बाह्य लक्षणों के आधार पर नर व मादा की पहचान कर सकते हैं, नर और मादा को पहचाना जा सकता है। अब देखो मनुष्य जो है, मनुष्य में नर व मादा दोनों में किशोरावस्था के दौरान गौण लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। अब देखो गौण लैंगिक लक्षण जो है, गौण लैंगिक लक्षणों का विकास होता है किस दौरान? किशोरावस्था के दौरान। नर व मादा में किसका विकास होता है? गौण लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। देखो गौण लैंगिक लक्षण जो है, गौण लैंगिक लक्षणों का विकास हार्मोन के कारण होता है। इसके कारण होता है, हार्मोन के कारण होता है। अब ये जो हार्मोन है नर और मादा दोनों में अलग अलग प्रकार के होते हैं। नर में जो हार्मोन होते हैं वो है टेस्टोस्टेरोन और मादा में एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। देखो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये हार्मोन क्या करते हैं, नर व मादा में गौण लैंगिक लक्षणों का विकास करते हैं। अब देखो गौण लैंगिक लक्षण अगर हम बात करते हैं, नर के अंदर गौण लैंगिक लक्षण कौन कौन से होते हैं और मादा के अंदर गौण लैंगिक लक्षण कौन कौन से होते हैं, तो यहां पर देखो जो नर है, नर में गौण लैंगिक लक्षण होंगे जैसे जैसे किशोरावस्था आती जाती है, किशोरावस्था के दौरान नर में लैंगिक लक्षण विकसित होते आते हैं। यहां पर देखो लैंगिक लक्षण, नर में अगर लैंगिक लक्षण देखें हम, तो पहला लैंगिक लक्षण है चेहरे पर दाढ़ी मूछों का आना। दूसरा लैंगिक लक्षण है आवाज भारी होना। तीसरा लैंगिक लक्षण है जननांगों का विकास होना। और चौथा लैंगिक लक्षण है शुक्राणुओं का निर्माण होना। तो ये लैंगिक लक्षण विकसित होने लग जाते हैं जैसे जैसे किशोरावस्था में बढ़ता है बच्चा, तो लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। लैंगिक लक्षणों में पहला दाढ़ी मूछों का आना, आवाज भारी होना, जननांगों का विकास होना,
शुक्राणुओं का निर्माण होना। अब देखो शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है, शुक्राणुओं का निर्माण मनुष्य में वृषण के अंदर होता है। इसके अंदर होता है वृषण के अंदर। अब वृषण के अंदर भी हम बात करते हैं तो वृषण में भी किसके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है, वृषण में शुक्र जनन नलिकाएं होती है, शुक्र जनन नलिकाएं। शुक्र जनन नलिकाओं में एक उपकला होती है जननिक उपकला, जर्मिनल एपिथेलियम। ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है ये हम बात करते हैं यहां पर, देखो ये टेस्टिस है, वृषण है। वृषण में यहां पर देखो ये इस प्रकार से ये शुक्र जनन नलिका है। इन शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है और शुक्र जनन नलिकाओं में जननिक उपकला है। अब देखो शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है, शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया को कहा जाता है शुक्र जनन। अब शुक्र जनन की क्रिया जो है, शुक्र जनन की क्रिया में किसका निर्माण होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और जो शुक्राणु है, शुक्राणुओं का निर्माण भी सबसे पहले शुक्राणु जो बनता है इसमें शुक्राणु पूर्वी का निर्माण होता है, स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। ये जो स्पर्मेटिड है, स्पर्मेटिड आगे विकसित होकर किसका निर्माण करता है, शुक्राणु का निर्माण करता है। अब देखो ये हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में लेंगे शुक्र जनन और अंड जनन की जो क्रिया है अगले चैप्टर में लेंगे। तो यहाँ पर देखो ये हमारे हो गए नर में लैंगिक लक्षण, गौण लैंगिक लक्षण जो है चार है, दाढ़ी मूछों का ना, आवाज भारी होना, जननांगों का विकास और शुक्राणुओं का निर्माण। ये तो हमारे नर में गौण लैंगिक लक्षण हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं मादा में गौण लैंगिक लक्षण। देखो मादा में जो गौण लैंगिक लक्षण है, सबसे पहले नंबर पे देखो स्तन ग्रंथियों का विकास, स्तन ग्रंथियों का विकास। स्तन ग्रंथियां विकसित होने लग जाती है, जैसे जैसे किशोरावस्था आती जाती है तो स्तन ग्रंथियों का विकास होने लग जाता है। आवाज पतली होना, लड़कियों में क्या होता है, वो आवाज पतली होती है, किशोरावस्था के दौरान स्तन ग्रंथियों का विकास होने लग जाता है। इसके बाद तीसरा है त्वचा कोमल हो जाती है। इसके अलावा देखो चौथा लक्षण है आर्तव चक्र प्रारंभ हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पर देखो मादा में जो गौण लैंगिक लक्षण है, पहला है स्तन ग्रंथियों का विकास, दूसरा आवाज पतली होना, तीसरा त्वचा कोमल होना, चौथा है आर्तव चक्र प्रारंभ होना। ठीक है, तो ये था हमारे मादा जनन तंत्र का इंट्रोडक्शन। अब सबसे पहले हम बात करते हैं नर जनन तंत्र। यहां पर देखो सबसे पहले हम लेते हैं नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसके मुख्य भाग देखो जो नर जननांग है, सबसे पहले प्राथमिक जनन अंग, इसके बाद सेकंड है
सहायक जननांग और सहायक जनन ग्रंथियां। देखो प्राथमिक जनन अंग जो है वो है हमारा वृषण। अब इसको प्राथमिक जनन अंग क्यों माना जा रहा है? वृषण जो है, वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है, और शुक्राणुओं का जो निर्माण हो रहा है नर जनन तंत्र के अंतर्गत मुख्य रोल होता है शुक्राणुओं का, शुक्राणुओं का निर्माण किसमें हो रहा है? वृषण में। इसके बाद कुछ सहायक जनन अंग जो है, सहायक जनन अंग में पहला वृषण कोष, दूसरा अधिवृषण, तीसरा शुक्रवाहिनियां, चौथा है शुक्राशय, पांचवा मूत्र जनन मार्ग, और छठा है शिश्न। ये सहायक जनन अंग है। इसके बाद कुछ सहायक जनन ग्रंथियों में फर्स्ट है शुक्राशय, सेकंड है प्रोस्टेट ग्रंथि, और थर्ड है बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। तो ये नरजननांग जो है किस किस से मिलकर बना होता है? देखो सबसे पहला नंबर है हमारा वृषण, दूसरा सहायक जननांग में वृषण कोष, अधिवृषण, शुक्रवाहिनियां, शुक्राशय, मूत्र जनन मार्ग और शिश्न। इसके बाद सहायक जनन ग्रंथियों की हम बात करते हैं तो पहले सहायक जनन ग्रंथि हमारी शुक्राशय, सेकंड है प्रोस्टेट ग्रंथि, और थर्ड है बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। अब यहाँ पर देखो हम सबसे पहले बात करेंगे प्राथमिक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग में सबसे पहले हम लेंगे वृषण। फर्स्ट है वृषण। देखो वृषण जो है ये एक जोड़ी होते हैं, कितने होते हैं? और 10 से 12 ग्राम के होते हैं। एक वृषण जो है कितने ग्राम का होता है? 10 से 12 ग्राम का होता है वृषण जो है। ये वृषण कोष में स्थित होते हैं, इसमें से होते हैं वृषण कोष में से होते हैं। अब देखो जो वृषण कोष है, वृषण कोष के ऊपर दो आवरण होते हैं, कितने आवरण होते हैं? दो आवरण। वृषण कोष दो आवरणों से घिरा हुआ होता है। पहला वृषण जो है, वृषण कोष में से होते हैं ये छोटी थैलेनुमा संरचना है, थैलेनुमा संरचना है। अब देखो वृषण कोष जो है, वृषण कोष
उदर गुहा के नीचे होता है, इसका जो टेम्परेचर है तापमान, उदर गुहा का जो तापमान होता है उदर गुहा के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता है इसका घर्षण कोष का। अब देखो 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम क्यों होता है, शुक्राणुओं का जो परिपक्वन होता है, परिपक्वन के लिए कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, इसकी आवश्यकता होती है कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। अब देखो टेम्परेचर अगर अधिक होता है तो शुक्राणु का जो निर्माण हो रहा है वृषण के अंदर वो शुक्राणु क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, इसके कारण अधिक टेम्परेचर के कारण, तो क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर में शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं और वृषण कोष का जो तापमान है उदर गुहा के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होने के कारण शुक्राणु वृषण के अंदर बने रहते हैं। अब देखो कभी कभी क्या होता है जो वृषण है, वृषणों का जो निर्माण है उदर गुहा में हो रहा है, जब भ्रूण का निर्माण होता है उस दौरान जो वृषण है ये उदर गुहा से वृषण कोष में आ जाते हैं, इसमें आते हैं उदर गुहा से वृषण कोष में आते हैं। अब देखो उदर गुहा से वृषण कोष में एक नाल के द्वारा आते हैं, उसे कहते हैं इंग्वाइनल कैनाल, क्या कहा जाता है इंग्वाइनल कैनाल के द्वारा वृषण कहां पर आते हैं, उदर गुहा से वृषण कोष में आ जाते हैं। अब देखो कभी कभी क्या होता है वृषण उदर गुहा से वृषण कोष में नहीं आ पाते हैं, तो उसके लिए शल्य क्रिया के द्वारा उदर गुहा से वृषण कोष में इसको लाया जाता है, वृषण को लाया जाता है, वृषणों को उदर गुहा से वृषण कोष में शल्य क्रिया के द्वारा लाया जाता है। अगर वृषण उदर गुहा से वृषण कोष में नहीं आते हैं, उदर गुहा में ही रह जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वृषण के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उदर गुहा का टेम्परेचर वृषण कोष के तापमान, वृषण कोष का जो टेम्परेचर है उसके टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक होता है, और अधिक होने के कारण उदर गुहा में शुक्राणुओं का जो निर्माण होगा वृषण के अंदर वो शुक्राणु परिपक्व नहीं होंगे। इसके बाद हम बात करते देखो वृषण जो है वृषण को यदि वृषण कोष के अंदर कुचल दिया जाता है तो इसको कहा जाता है कैस्ट्रेशन, और कैस्ट्रेशन के कारण क्या होता है देखो जो वृषण होते हैं ये वृषण नष्ट हो जाते हैं, और वृषण नष्ट होने के कारण अब देखो वृषण अगर नष्ट हो जाएंगे तो वृषण के अंदर जो हार्मोन स्थापित हो रहे हैं वृषण के द्वारा, यानी कि हमारा जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये हार्मोन स्थापित कम स्थापित होगा, और कम स्थापित होने के कारण जिसमें भी हम कैस्ट्रेशन की क्रिया करते हैं वो जंतु क्या हो जाते हैं, शांत स्वभाव के हो जाते हैं। वैसे ये वाले जो क्रिया है ये मनुष्य में नहीं की जाती है, अगर मनुष्य में करेंगे तो आज वो जन्म की क्रिया नहीं कर पाता है, ये जानवरों के अंदर की जाती है, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं वो वृषण की, अब ये तो बाहरी संरचना थी, इसके बाद वृषण की आंतरिक संरचना लेते हैं।
इसके बाद लेते हैं हम वृषण की आंतरिक संरचना। वृषण की आंतरिक संरचना जो है इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, गुड बाय।